नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं चंडीगढ़ के 29 सेक्टर में शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के सामने खड़ा हूँ। मेरे पास मेरे एक मित्र हैं बिल्लू पासवान जी। बिल्लू पासवान जी, जरा अपने बारे में कुछ बताएंगे। मैं बिहार का निवासी हूँ और चंडीगढ़ में 31 साल से रह रहा हूँ। बिल्लू भाई जी बिहार के रहने वाले और 31 वर्षों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं और इन्होंने बीएड किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। एमए बीएड हिंदी में किया हुआ है। एमए और बीएड हिंदी में किया हुआ है। डिप्लोमा ट्रांसलेशन और सीटेट भी क्वालिफाइड। और आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया कभी? हाँ जी, बहुत किया। आपने चंडीगढ़ में अलग टेस्ट क्लियर किया कभी? कोई बैंक का किया था ट्राई, लेकिन नहीं हुआ। ट्राई किया तो दिया। मेरी अब सभी से हाथ जोड़कर विनती है, यह बिल्लू पासवान जी सेक्टर 29 के मंदिर के सामने एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं। इस समय इनकी हालत बहुत बुरी है। मैं चाहता हूं कि कृपया करके इनकी मदद करें। बिल्लू पासवान जी भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। अब वक्त आ चुका है, आप लोग यहां पर आएं और इनकी मदद करें। इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। इस सर्दी के मौसम में इनके पास एक कंबल था जो चोरी हो चुका है। आप सबसे विनती है, शिरडी के साई के मंदिर के सामने सेक्टर 29 के सामने पेड़ के नीचे ये रहते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे, किसी से भी पूछेंगे, यहाँ पर पुलिस बीट के पास ही वो जो पेड़ है वहीं रह रहे हैं। तो कृपया करके इनकी मदद के लिए आ गए हैं। आपसे विनती है सभी चंडीगढ़ वासियों से और भारत के सभी निवासियों से, ये वक्त मदद करने का है, सेवा करने का है। सेवा करने के लिए कृपया करके आ गए हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।